नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम। हाजिर हूं मैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ सीआईबी इंडिया न्यूज पर। इस खबर के प्रायोजक हैं उज्जवल मॉडल स्कूल, कादीपुर हरकेश बाईपास, कप्तानगंज, आजमगढ़। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही उनका एडमिशन उज्जवल मॉडल स्कूल में कराएं। धौलपुर जेल से फोन कराकर सजा याफ्ता कैदी कर रहा था व्यापारियों से वसूली। एक ही दुकान संचालक पर किया था 3 बार हमला। सीसीटीवी कैमरे में कैद थे आरोपी, मुठभेड़ में धरे गए। आगरा धौलपुर जेल में एक सजा याफ्ता कैदी तारा उर्फ तोरिया आगरा में व्यापारियों से रंगदारी वसूलवा रहा था। वह जेल से हिस्ट्रीशीटर और गुर्गों के जरिए व्यापारियों पर फायरिंग और फोन कराकर मोटी रकम वसूल रहा था। इतना ही नहीं, फतेहाबाद कस्बा के एक दुकान संचालक ने तारा और उसके गुर्गों को रंगदारी नहीं दी तो उसने उस पर एक एक करके 3 हमले करवाए। बदमाशों के तीसरे हमले में व्यापारी के सुरक्षा गार्ड ने एक बदमाश को गोली मार दी थी। शुक्रवार देर रात चेकिंग में फतेहाबाद पुलिस ने घेराबंदी करके तारा के 5 गुर्गों को घेर लिया। पुलिस को देखकर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। बचाव में पुलिस ने भी कई राउंड फायरिंग की। पुलिस ने घेराबंदी करके 5 बदमाशों को दबोच लिया। आरोपियों ने 6 से अधिक रंगदारी वसूलने की वारदात को कबूल किया है। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अखिलेश नारायण सिंह ने बताया कि कस्बा फतेहाबाद के व्यापारी और दुकान संचालकों से गिरोह लगातार रंगदारी वसूलने के लिए हमले कर रहा था। इसकी छानबीन की तो पता चला कि धौलपुर जेल में निरुद्ध सजा याफ्ता कैदी तारा उर्फ तारिया के इशारे पर रंगदारी वसूली जा रही थी। फतेहाबाद पुलिस की शुक्रवार रात निवहरा रोड पर तारा के गुर्गों से भिड़ंत हो गई। पुलिस को देखकर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। बचाव में पुलिस ने भी फायरिंग की और 5 बदमाशों को दबोच लिया। आरोपियों से लूटी हुई 2 बाइकें, 3 तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। आपको बताते चलें कि 6 जून 2018 को तारा के कहने पर ही रामजनी पुत्र हरिओम निवासी बैरागी मोहल्ला राजा खेड़ा धौलपुर राजस्थान, सत्यभान पुत्र प्रताप सिंह निवासी भावपुरा बाह आगरा और देवेंद्र पुत्र जगन्नाथ ने बेंगोरिया स्वीट के संचालक पर हमला किया था। फायरिंग हुई थी जिसमें एक बदमाश घायल हुआ था। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद बदमाश सोनू देवकी नंदन प्रेमवीर उर्फ शिखंडी और सतवीर उर्फ सत्ता निवासी गढ़बुढ़ाना ताजगंज और बिमल वर्मा पुत्र कुंवर पाल सिंह और बिमल वर्मा पुत्र कुंवर पाल सिंह निवासी नगला दखल उत्तर फिरोजाबाद है। सोनू वाहन चोर और फायरिंग करके व्यापारियों में दहशत फैलाकर रंगदारी वसूलता है। धर्मवीर हिस्ट्रीशीटर और देवकीनंदन हत्या और रंगदारी में जेल जा चुका है। बिमल बीकाम का छात्र है और जल्द अमीर बनने के लिए अपराध के दंडल में फंस गया। फतेहाबाद पुलिस ने और क्राइम ब्रांच की सर्विलांस सेल सोजी ने मिलकर एक गैंग पे काम किया। ये ऐसा गैंग है जो धमकी देकर फतेहाबाद में व्यापारियों से रंगदारी मांगने की कोशिश कर रहा था और इन्होंने कुछ दिन पहले प्रयास भी किया था, लेकिन किसी वजह से उनकी योजना असफल हो गई और योजना असफल होने के पीछे भी फतेहाबाद की टीम और क्राइम ब्रांच की टीम का सक्रिय योगदान था। इस टीम पे काम करते हुए कुल 5 अपराधी पकड़े गए और 1 अपराधी धौलपुर जेल में बंद है। मास्टरमाइंड वही है, उसी की योजना के तहत ये सारी गतिविधियां इन अपराधियों के द्वारा फतेहाबाद में की जा रही हैं। ये अपराधी भिन्न भिन्न थाना क्षेत्रों के हैं, मुख्य रूप से सदर थाना क्षेत्र के हैं। इसमें इनके कब्जे से कुल 3 तमंचा, 5 जिंदा कारतूस, 3 खोखा, 2 मोटरसाइकिल मिली है। इसके अतिरिक्त इनसे पूछताछ करने पर करीब 0.5 दर्जन और घटनाओं के बारे में इनसे जानकारी मिली है और एक निश्चित तौर पर बड़ा ही सराहनीय कार्य रहा है। इनसे और पूछताछ की जाएगी और भी जो घटनाएं इनके द्वारा कारित की गई या जिस घटना के षड्यंत्र में रहे हों या जो भी इन्होंने किया हो, जो भी आपराधिक कृत्य इनके रहे हों, उसकी गहन पूछताछ करके इनको रिमांड पर भी ले लिया जाएगा और इनसे अन्य घटनाओं की जानकारी की जाएगी। हाँ, इनको मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया था। और कैसे क्या घटनाक्रम रहा इसके साथ? घटनाक्रम में रहा कि ये सूचना बहुत पहले मिली थी कि कुछ अपराधी फतेहाबाद में कुछ व्यापारियों को टारगेट करके वसूली करना चाहते हैं, उनको भयाक्रांत करके। इसी आधार पर टीम लगी हुई थी और उसका रिजल्ट आज आपके सामने है। कितने राउंड फायरिंग हुई? कई राउंड फायरिंग चले हैं, कई राउंड दोनों तरफ से हुआ है। जब उन्होंने फायर किया तो आत्मरक्षार्थ पुलिस बल को भी फायर करना पड़ा
और रिजल्ट आपके सामने है। आधा दर्जन घटनाओं खुलासा हुआ है, जैसा मैंने आपको बताया इसके पहले, आधा दर्जन घटनाओं का। धौलपुर में हत्या के मामले में बंद है और आजीवन कारावास की सजा पे है। तारा तारा। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।